नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, थायराइड में दिखाएगी यह जड़ी बूटी अब गजब का कमाल। दोस्तों, गर्दन के बिल्कुल नीचे के हिस्से में मौजूद थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में एक अहम भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियमित करने का काम करती है। हमारे शरीर में प्रत्येक अंग के काम करने की एक नियमित सीमा होती है, परंतु जब शरीर का कोई भी भाग अपनी लिमिट से कम या अधिक बढ़कर काम करता है तो वही अंग बीमारी का रूप ले लेता है। थायराइड की प्रॉब्लम में रोजाना दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, लेकिन ऐसी कुछ जड़ी बूटी भी है जिनका सेवन करके हम इस नेचुरल तरीके से इस बीमारी से होने वाली नुकसानों से बच सकते हैं। नंबर एक है अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। थायराइड ग्लैंड में आई हुई विनियमितता को यह देसी बूटी बैलेंस करने में बहुत मदद करती है। अश्वगंधा एक प्राकृतिक और शक्तिवर्धक औषधि है। अश्वगंधा की मदद से थायराइड पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए आप चाहे तो इसकी पत्तियों या जड़ों को उबालकर पी सकते हैं। नंबर दो है मुलैठी। दोस्तों, मुलैठी कैल्शियम ग्लिसराइजिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट एंटीबायोटिक प्रोटीन और वसा के गुणों से भरपूर होती है। गले से संबंधित बीमारियों के ठीक करने के लिए इस जड़ी बूटी का उपयोग सदियों से होता आ रहा है। यह जड़ी बूटी ग्रंथियों के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करती है, साथ ही थायराइड के कारण शरीर में महसूस होने वाली कमजोरी को कम करने में मुलैठी अपना पूरा योगदान देती है। नंबर तीन, अलसी का बीज। अक्सर थायराइड की बीमारी से पीड़ित लोगों का गला बैठा या फिर खराब रहता है, उसके लिए आप बीजों से काढ़ा बना ले। इसे सुबह और शाम पीने से आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह 3 ग्राम अलसी के चूर्ण को उबलते हुए पानी में डालकर 1 घंटे तक उबालें। इसमें थोड़ी चीनी भी मिला सकते हैं। अलसी के बीज में मौजूद फैटी एसिड थायराइड हार्मोन के उत्पादन को बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। नंबर चार है अदरक। थायराइड एक साइलेंट किलर बीमारी होती है। अगर आप थायराइड की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रोजाना अदरक का सेवन करना शुरू कर दे। अदरक में भरपूर मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो थायराइड की बीमारी से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। अदरक में भरपूर मात्रा में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो थायराइड को बढ़ने से रोकते हैं और उसकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने का काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी थायराइड की समस्या है तो ये जड़ी बूटी आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक व कमेंट करें और मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।